अफवाह फैलाकर जनता को बहका रहा है कांग्रेस प्रत्याशी अनिल रायपुर। देखिए रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा नेता और समाजवादी अनिल रायपुर ने अपने कार्यालय पर अपने समर्थकों की बैठक बुलाकर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार को जिताने के लिए रणनीति बनाई। इस मौके पर इस कार्यक्रम में डॉक्टर कृष्ण कुमार की पत्नी और बेटे ने हिस्सा लेते हुए बावल विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा समर्थन जुटाने का आह्वान किया। अनिल रायपुर ने भी अपने समर्थकों को भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस मौके पर अनिल रायपुर की ने कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर चुनाव मैदान में उतर रही है। 51 गांव के सरपंचों का समर्थन मात्र एक अफवाह है। इस समर्थन कार्यक्रम में 10 से 12 सरपंचों से ज्यादा नहीं थे। अनिल रायपुर ने कहा कि बाबा मैदान क्षेत्र में भाजपा का पूरा जन आधार है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण कुमार विजयी होंगे। अनिल रायपुर में क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए ज्यादा से ज्यादा भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर विभिन्न गांव से सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। सब एक मिलके और उसको हर कार्यक्रम को ये सफल बनाते हैं, चाहे चुनावी कार्यक्रम हो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। मेरा आप सभी से एक ही अनुरोध है, आपको पता है सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के अंदर है, हर जगह लोग साहब खुद प्रोग्राम करेंगे तो आपको अपने गांव का प्रोग्राम अपना खुद का प्रोग्राम समझ के उसको सफल बनाना है। और वोटिंग के अंदर भी जिस हिसाब से आप मेहनत करके पहले आए हैं उससे ज्यादा मेहनत करके अच्छी वोटिंग करवानी है और सभी को जागरूक करना है क्योंकि सबका मतदान बहुत जरूरी है। तो मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे परिवार हो बार बार उस चीज को मैं दोहराऊँ ठीक नहीं है। आप सब लोग आए बहुत बहुत अनिल जी आज यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, क्या था पूरे कार्यक्रम? ऐसा है जी, कार्यकर्ताओं की मीटिंग नहीं थी, मेरे साथियों की मीटिंग थी। मेरे जितने भी साथी थे सब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। अब चुनाव है, चुनाव के माहौल के अंदर डिसीजन जो राव इंद्रजीत ने हमारे लिए कैंडिडेट भेजा है कृष्ण कुमार, तो उसके लिए हम सभी साथियों ने मिलकर डॉक्टर कृष्ण कुमार का के लिए वोटों के लिए आगे कैसे कार्यक्रम करना है, कैसे प्रोग्राम बनाने हैं, कैसे जीत दर्ज करनी है, उसके ऊपर सभी साथियों से मिलकर विचार विमर्श किया। दक्षाओं के लिए बावल क्षेत्र में आया नए प्रत्याशी हैं, किस तरह से रणनीति बनाएंगे? रणनीति बना ली है, एक एक घर जाएंगे, एक एक जो साथी है वो अपने बूथ को मजबूत करेगा, अपने गांव को मजबूत करेगा, शहर को मजबूत करेगा। कितने कार्यकर्ता थे, कहां-कहां से कार्यकर्ता थे? सबसे पहले कार्यकर्ता नहीं थे, मेरे साथी थे। बार बार कार्यकर्ता सब मेरे को अच्छा नहीं लगता। जो मेरे साथी थे, मेरे भाई थे, बुजुर्ग थे, सभी हम इकट्ठे हुए थे यहाँ पे। लगभग 400-450 करीब हम थे। सबसे पहले जो मेरे वार्ड के अंदर 34 गाँव उनसे थे, आस पास जो और मेरे साथी थे तो सभी गांवों से यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। साथियों के साथ बावल विधानसभा के साथ साथ अटेली विधानसभा में जो जहाँ भी हमारी रिश्तेदारी है, हमारे साथियों की जो रिश्तेदारी है, तो हमने उनके लिए भी अपील की है, बहन जी के लिए, कि वहाँ भी अटेली विधानसभा में जाके अपने रिश्तेदारों को सूचित करें और बहन जी के प्रति मतदान की अपील की। नेता जी, कल 51 गाँव के सरपंचों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो इसको किस तरह से निकाल पाएंगे? आपने देखा था वो 51 सरपंच, 51 आदमी भी इकट्ठे हुए। ये सब रूमर है, सरपंच थे 12-13 सरपंच थे, किसी को कैसे पट्टी पढ़ाई गई है, किसी को कैसे पट्टी पढ़ाई गई है, तो ये चुनावी समय है, आदमी एक दूसरे को पट्टी तो पढ़ाता ही है। बाकी हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, जो बात कहे सही कहे और लोगों को बरगलाए ना। जो हमारा अब तक हमने काम किया है सभी साथियों को पता है, भाई झूठ वूठ तो हम बोलते नहीं, जितना हमारे बनता है जो बात सच्चाई वो पुट अप कर देते हैं, बाकी किसी को झूठ बोल के इस तरह बढ़ जाते हैं।